हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल CCIM चेतन चौधरी मैथ्स ट्यूटोरियल। तो ये है प्रैक्टिस सेट 6.1 क्लास 8 मैथमेटिक्स। तो प्रैक्टिस सेट 6.1 हम आज सॉल्व कर रहे हैं फैक्टोराइज दिस पॉलिनोमियल, मतलब फैक्टोराइज करने का है अपने को ये पॉलिनोमियल्स को। तो हम एक एक क्वेश्चन अभी ये सॉल्व करेंगे। चलो एक एक सम हम स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉब्लम आज का क्या है, यहाँ पे फैक्टोराइज करना है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 को। अब इसको फैक्टोराइज किस तरीके से करते हैं पहले समझ लीजिए। आपको क्या करना होता है, ये सामने एक्स स्क्वायर के सामने 1 है, कुछ नहीं होता, मतलब 1 होता है, और ये 18, तो ये 18 के फैक्टर्स निकालने हैं आपको, क्योंकि ये देखो 1 × 18 कर सकते हो। सीधा सीधा आप फैक्टर्स किसके लेंगे, 18 के। ये लास्ट वाला दिख रहा है आपको, तो 18 के फैक्टर्स निकालना है, मतलब ये प्लस 18 है यहाँ पे, तो प्लस 18 के फैक्टर्स करना है। ओके, ये प्लस 18 रखा मैंने, यहाँ पे इसके फैक्टर्स लेना है, दो फैक्टर्स। अब 18 के फैक्टर्स हमें कौन से लेने हैं वो समझ लीजिए पहले अच्छे से, कि 18 के कौन से फैक्टर्स आपको लेने पड़ेंगे, कि 18 किसके टेबल में आता है, और ये पॉजिटिव है। अब यहाँ पे जो आ रहा है 9, आप ऐसे दो फैक्टर्स लीजिए, जैसे 18 किसके टेबल में आता है, 9 × 2 = 18 होता है, बट 9 + 2 कितना होता है, जैसे मैंने अगर 9 × 2 लिया तो 9 + 2 कितने होते हैं, 11 होते हैं, तो क्या बीच में 11 है यहाँ पे, नहीं, तो आप वो फैक्टर नहीं ले सकते हो। फिर आपके पास दूसरा फैक्टर्स कौन सा है, 6 × 3 = 18 होता है, तो क्या हम ये ले सकते हैं, ये दोनों पॉजिटिव लेना पड़ेगा, प्लस प्लस। देखो 6 और 3, ये 11 दे रहा था आपको 9 और, ठीक है, तो ये चलेगा नहीं, बट यहाँ पे देखो 6 और 3 6 + 3 दोनों पॉजिटिव है, 6 और 3 कितना होता है, 9, क्या हमें 9 चाहिए बीच में, यस चाहिए, मतलब आप और 6 और 3 सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपको करना क्या होता है, एक्स स्क्वायर वैसे ही लिखना, ये 9x को हटा देना है, किसको हटा देना, 9x को हटा देना, और किसको लगाना है, ये प्लस 6, उसको x लगा दो, 6x प्लस सामने कितना लगाना है, 3x, मतलब 9x को हटा के 6x प्लस 3x लिखना है। क्या कर दिया मैंने, 9x को हटा के क्या लिखा, x 6x प्लस 3x और 18 एज इट इज। अब इनका ग्रुप बनेगा, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब ये ग्रुप में से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, तो यहाँ से x गया तो कितना बचेगा, x, यहाँ से x चला गया तो 6 हो गया, प्लस यहाँ से आप 3 कॉमन ले लो, चलो 3 गया, फिर x बचेगा। अब 3 का टेबल बोलना है 18 तक के, 3 × 6 = 18, तो ये आ गया प्लस 6, 3 का टेबल बोल दिया आपने 18 तक के, 3 × 6 = 18। अब रिपीट ब्रैकेट देखो, x + 6 x + 6, तो x प्लस 6 फर्स्ट ब्रैकेट और x प्लस 3 सेकंड ब्रैकेट, x प्लस 6 और x प्लस 3, ये होगा आपका फर्स्ट प्रॉब्लम। अभी नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9। अब आपको फैक्टर्स किसके लेने होते हैं, 9 के फैक्टर्स लेने, क्योंकि सामने 1 है, 1 × 9 = 9 प्लस 9, किसके फैक्टर्स लेने हैं, प्लस 9, मतलब मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए। दो नंबर जो फैक्टर्स रहेंगे वो एक तो दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं या फिर निगेटिव, क्योंकि प्लस इंटू प्लस प्लस होता है या फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, तो लेकिन यहाँ पे बीच में तो माइनस आ रहा है 10, मतलब आपको यहाँ पे दोनों साइन क्या लगाना पड़ेगा, निगेटिव। जैसे ऊपर वाले प्रॉब्लम में क्या किया था, यहाँ पे प्लस 9 था, तो हमने दोनों साइन क्या लगाए थे, पॉजिटिव लगाए थे दोनों फैक्टर्स को। तो अब ये 9 देखो, अब 9 है यहाँ पे, तो 9 किसके टेबल में आता है, 9 × 1 = 9 आता है, दूसरे 3 × 3 = 9, बट अगर हमने 3 और 3 लिया तो क्या होगा, −3 − 3 − 6 होगा, 3 और 3 = 6, दोनों निगेटिव ऐसे रहेंगे, −6, बट 9 × 1 = 9 लिया तो क्या होता है, 9 और 1 कितना होगा, −10, तो क्या हमें −10 चाहिए, यस, तो आप कौन से फैक्टर्स लेंगे यहाँ पे, 9 × 1 = 9। अब माइनस देखो, −(−) किया तो प्लस होता है, 9 × 1 = 9 होता है, ठीक है, ये तो समझ में आपको 9 × 1 = 9 होता है। लेकिन एट द सेम टाइम एक चीज़ और, कौन सी, क्या बोलेंगे आप बताइए, कौन सी चीज़, कि −9 − 1 = 10 होता है, और −(−+9) होता है, 9 × 1 = 9। तो आपको मल्टीप्लिकेशन ध्यान में रखना है, पहले तो एक्स स्क्वायर 10x को हटाओ और क्या लगाना है इसके जगह पे, −9x − 1x, मतलब x प्लस 9। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में से x कॉमन आ रहा है, तो x चला गया तो x बचेगा, x चला गया तो यहाँ पे 9 माइनस, यहाँ से आप 1 कॉमन लिखो, 1 कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में आएगा x, प्लस के जगह पे क्या आएगा, माइनस, और यहाँ पे 9, समझ में आया, माइनस कॉमन लेने के बाद क्या होगा, x − 9। अब x − 9 है, इधर भी x − 9 है, तो x − 9 कॉमन ले लो और x − 1 दूसरे ब्रैकेट में ले लो, ये आ गया x − 1, तो x − 9 और x − 1 ये आ गया कॉमन।
अब ये हमारे हो गए फैक्टर्स, तो ये हमें फैक्टर्स निकालना था क्योंकि फैक्टोराइज करना है, मतलब दो आपको ब्रैकेट बनाना है। तो आया समझ में? तो ये हो गया। तो एक चीज़ ध्यान में रखो, अगर ऊपर प्लस भी है ना तो यहाँ पे दो फैक्टर्स, एक तो दोनों निगेटिव होंगे या फिर दोनों पॉजिटिव होंगे। वो किस पे डिपेंड करता है? बीच वाला साइन। बीच वाला साइन निगेटिव है तो दोनों निगेटिव लगाओ, अगर बीच वाला साइन अगर पॉजिटिव है तो फिर दोनों क्या लगाएंगे? पॉजिटिव, जैसे ऊपर वाले केस में किया था। क्लियर हो गया इतना? आया समझ में? यस। अभी नेक्स्ट, अभी आ रहा है हमारा थर्ड। थर्ड में क्या बोला है यहाँ पे? वाई स्क्वायर प्लस 24y प्लस 144। ये प्रॉब्लम है। अब ये जो है, अब 144 है प्लस 144 है, तो प्लस 144 के फैक्टर्स लेना है। अब आप लोग देखो यहाँ पे प्लस है, मतलब यहाँ पे भी दोनों का क्या रहेंगे? प्लस प्लस। अब 144 कौन से टेबल में आता है? वैसे तो देखो 24 चाहिए तो 12 का स्क्वायर होता है, मतलब 12 लगा सकते हो, 12 प्लस 12 24, और 12 इंटू 12 कितना होता है? 144। इस तरीके से तो हमें फैक्टर्स मिल चुके हैं वाई स्क्वायर। 24y की जगह पे डालो 12y प्लस ये फिर से 12y प्लस 144। क्लियर हो गया? अब ये दो के ग्रुप, ये पहला और ये दूसरा, ये कॉमन क्या निकलेगा यहाँ से? y। अगर एक y चला गया तो एक y बचेगा, क्योंकि वाई स्क्वायर है तो एक y चला गया तो y बचा। यहाँ पे देखो y चला गया तो क्या बचेगा ब्रैकेट में? 12 प्लस, यहाँ से 12 कॉमन ले सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो 12 से आप 144 को डिवाइड कर सकते हो, तो ये 12 गया तो y बचा। बराबर यही ब्रैकेट यहाँ पे रिपीट आता है, कभी भी नहीं, जो फर्स्ट होता है वही सेम ब्रैकेट रिपीट आता है सेकंड में। तो यहाँ पे क्या बचेगा? वाई प्लस 12 का। ऐसे 12 से हमने इसको डिवाइड कर दिया तो 12 ही आएगा, मतलब वाई प्लस 12 वाई प्लस 12। अभी देखो रिपीट वाला ब्रैकेट है, इसको कॉमन ले लो, एक बार लिखना है, और ये बचा हुआ जो है दूसरे ब्रैकेट में लिखना है वाई प्लस 12। ये देखो वाई प्लस 12 ये दूसरे ब्रैकेट में हो गया। तो हमारा आंसर क्या है? वाई प्लस 12 प्लस वाई प्लस 12। नंबर फोर, ये है 5y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 10 दिया है। अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे? आप 5 कॉमन ले सकते हो, चलो इसको 5 कॉमन ले लो, क्योंकि हर जगह पे 5 है, 5 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में 5 भी आता है, 5 के टेबल में 10, तो 5 चला गया तो क्या बचेगा? वाई स्क्वायर। 5 चला गया वाई, 5 का टेबल बोला 10 आंसर के 5 2 10 हो गया, वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 ये हो गया। अब देखो आपको सिर्फ इसके माइनस 2 के फैक्टर निकालने, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल यहाँ तक के, तो माइनस 2 के फैक्टर्स निकालने हैं। अब आपको पता है 2 किसके टेबल में आता है? 2 1 2, बट यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो एक चीज़ ध्यान में रखना, एक पॉजिटिव रहेगा एक निगेटिव। अब यहाँ पे कितना है? प्लस 1, मतलब आप क्या करेंगे? 2 में से अगर माइनस 1 करेंगे तो प्लस 1 मिलेगा। देखो 2 में से गया 1 पॉजिटिव आ रहा है यहाँ पे, मतलब कि जहाँ पे पॉजिटिव है तो बड़े नंबर को पॉजिटिव दे दो और छोटे नंबर को निगेटिव साइन। तो हम क्या करेंगे? वाई स्क्वायर, ये वाई को हटा देंगे बीच वाली टर्म, उसकी जगह पे लगाएंगे 2y, फिर बीच में माइनस वाई और ये 2। फैक्टर्स ले लो, क्या करेंगे इसमें? y कॉमन निकालेंगे दोनों में से, चलो y गया एक y बचा और ये प्लस 2। यहाँ से माइनस कॉमन ले लो माइनस 1, ब्रैकेट में आएगा y प्लस 2, क्योंकि माइनस कॉमन आया तो यहाँ पे प्लस 2 आएगा। हो गया, पहला ब्रैकेट जो है वैसे ही रिपीट आएगा सेकंड। तो हमारा आंसर क्या आएगा? रिपीट वाला एक बार लिखो y प्लस 2 और बचा हुआ दूसरे ब्रैकेट में y माइनस 1। हो गया y प्लस 2 एंड y माइनस 1, तो ये आ गया नंबर 5। कितना हो गया? नंबर 5। चलिए अभी हम नंबर 6 करेंगे। नंबर 6, तो 6 में क्या दिया गया है? नहीं सॉरी, ये 4 था, वेट करो, ओके 4 था ये, ये नंबर 5। पाँचवें नंबर का है यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस 2p माइनस 35। अब देखो यहाँ पे माइनस 35 आ रहा है, पहले तो ये समझ लो माइनस 35 आया तो माइनस 35 के फैक्टर्स, कभी भी यहाँ पे अगर ऊपर निगेटिव आ रहा है, ध्यान में रखो ट्रिक क्या अपनी, अगर ऊपर निगेटिव आ रहा है तो एक नंबर पॉजिटिव आएगा एक नंबर निगेटिव आएगा, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव रहेगा एक निगेटिव रहेगा। अभी बड़ा नंबर जो है, अगर आपको क्या चाहिए, अभी ऐसा अगर निगेटिव आया तो ये दो नंबर का सब्ट्रैक्शन 2 चाहिए। 35 किसके टेबल में आता है? 75 का। अब 7 माइनस 5 की तो कितना बचेगा? 2, लेकिन आपको कौन सा 2 चाहिए? माइनस 2 चाहिए, तो बड़े नंबर को यहाँ पे जो साइन है ना वो बड़े नंबर को लगाना है, माइनस बड़े नंबर को लगाओ और प्लस छोटे नंबर को लगाओ। देखो 7 माइनस 5 2 होता है और बड़े नंबर का साइन माइनस, मतलब माइनस 2p, और प्लस इंटू माइनस माइनस, 75 या 35 तो बराबर माइनस 35 आता है मल्टीप्लीकेशन। पी इसको लगाया, 2p को हटाओ, लगाओ माइनस 7p प्लस 5p माइनस 35। अब ये फर्स्ट ग्रुप और ये सेकंड ग्रुप, क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से? पी, एक पी चला गया तो एक पी बचेगा, यहाँ से पी चला गया तो यहाँ पे बचेगा 7। अब 5 कॉमन ले लो, 5 गए तो ब्रैकेट में पी आएगा, 5 का टेबल बोलो 35 तक के, 5 7 35। देखो पी माइनस सेवन आ गया फर्स्ट ब्रैकेट में, और ये आ गया पी प्लस 5 सेकंड ब्रैकेट में,
हो गया पी माइनस सेवन एंड पी प्लस फाइव, ये हो गया नंबर फाइव। नंबर सिक्स पी स्क्वायर माइनस सेवन पी माइनस फोर्टी फोर, ये अब माइनस फोर्टी फोर के फैक्टर्स निकालने हैं। फिर से माइनस आया यहाँ पे, माइनस आया मतलब समझ जाना एक नंबर निगेटिव एक नंबर पॉजिटिव। अब यहाँ पे बीच में साइन माइनस है तो बड़े नंबर को निगेटिव आएगा छोटे नंबर को पॉजिटिव। फैक्टर्स कौन से आएंगे, 44 किसके टेबल में आता है, 11 फोर ज़ा 44। अब देखो 11 माइनस 4 किया तो कितना आएगा 7, और बड़े नंबर का साइन मतलब माइनस 7 मिल रहा है हमें यहाँ पे, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस इंटू प्लस माइनस 11 फोर ज़ा 44 दोनों मैच हो रहे हैं। चलो तो पी स्क्वायर 7p को हटाओ क्या लगाएंगे, माइनस 11p प्लस 4p माइनस 44। यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, p चला गया p तो एक p बचेगा, माइनस p गया तो यहाँ पे 11। यहाँ से देखो 4 कॉमन ले लो फिर बचेगा p, और 4 का टेबल बोलना है 44 अंदर के 4 वन ज़ा 4 4 वन ज़ा 4 11, वैसे भी बोला था ना यही ब्रैकेट रिपीट आता है, लिख लेना p माइनस 11 एक बार और p प्लस 4 ये दूसरे ब्रैकेट में, ओके p प्लस 11 एंड p माइनस 11 एंड p प्लस 4 आंसर हो गया। नंबर 7, नंबर 7 में है एम स्क्वायर माइनस 23m प्लस 120। अब यहाँ पे प्लस आए प्लस 120 के फैक्टर्स लेने हैं, यहाँ पे प्लस आ रहा मतलब एक तो दो साइन जो है निगेटिव रहेंगे या दो पॉजिटिव, बीच में क्या है निगेटिव, तो यहाँ पे दे दो दोनों को निगेटिव, करेक्ट। अब 120 किसके टेबल में आता है, 12 टेंजा होता है 120, यस, बट यहाँ पे तो 23 दिया है तो 23 कैसे निकालेंगे हम, 120 और कौन से टेबल में आता है, क्योंकि 12 टेंजा लिया तो 10 और 12 कितना होंगे दोनों माइनस 22 होंगे, तो ये चलेगा क्या, नहीं। फिर और 15 एटजा होता है 15 एटजा 120, और 15 और 8 कितना होता है 23, दोनों का एडिशन करो, यस। तो ये लिखना है हमें एम स्क्वायर 23m हटाओ क्या लगाएंगे, माइनस 15m और 8m, m जो होता है वेरिएबल बोलते इसे हम, और ये प्लस 120। फर्स्ट ब्रैकेट में क्या कॉमन आएगा, यहाँ से m कॉमन आएगा तो m बचेगा और ये 15, माइनस 8 कॉमन ले लो तो यहाँ पे m माइनस कॉमन लिया प्लस की जगह पे क्या आएगा माइनस, 8 से डिवाइड करो कितना आएगा फिर से 15, रिपीट देखो m माइनस 15 एक बार लिखो, और यहाँ पे m माइनस 8 तो m माइनस 15 और m माइनस 8 तो ये होगा आपका 7th प्रॉब्लम कंप्लीट। 8 नंबर एम स्क्वायर माइनस 25m प्लस 100 कितना, ये प्लस 100 है, प्लस 100 के फैक्टर्स लेने हैं आपको, ठीक है। अब प्लस 100 है, अब यहाँ पे बीच में माइनस है तो आपको दोनों फैक्टर्स निगेटिव लेने पड़ेंगे। अब 100 है और यहाँ पे दोनों माइनस है तो आप क्या करेंगे, अब ऐसे दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन देखो 100 आता है तो 100 तो आपका 10 10 100 होता है, बट 10 और 10 20 होता है, क्या यहाँ पे 20 है, नहीं 25 है, तो 25 कौन से नंबर देंगे आपको बोलो, 25 100 होता है 20 और 5 25 आ रहा है, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, और 20 × 5 के तो 100 मिलता है, ऐसे 20 और 5 25 तो जम गया हमारा काम। 25m को हटाओ और लगाएंगे हम 20m माइनस 5m और प्लस 100, ये पहला ग्रुप ये दूसरा ग्रुप, पहले ग्रुप में से क्या कॉमन आ रहा है यम, यम चला गया तो एक यम बचेगा माइनस, यहाँ से यम चला गया तो 20 बचेगा माइनस, यहाँ से आपको क्या करना है देखो सेकंड ब्रैकेट में कितना आएगा आपका बराबर यम माइनस 20 आने वाला है, मतलब कि यम के सामने 5 था वो कॉमन ले लो, 5 कॉमन लिया तो क्या होता है 5 से 100 को डिवाइड किया तो 5 से अगर डिवाइड करें तो कितना आता है 20, इस तरीके से तो यम माइनस 20 है एक ब्रैकेट में डाल दो और बचा हुआ यम माइनस 5 दूसरे ब्रैकेट में डाल दो, हो गया तो यम माइनस 20 यम माइनस 5 फैक्टराइज कर दिए हमने। 8 नंबर अभी 9 नंबर 3x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 15, और आपको करना कैसे है ये फर्स्ट और लास्ट नंबर मल्टीप्लाई करना है, 3 × 15 कितना होता है 45, मतलब कि प्लस 45 दोनों पॉजिटिव है, 45 के फैक्टर्स निकालना है, 45 के फैक्टर्स क्या होते हैं 9 5 ज़ा 45, यहाँ पे प्लस है सभी जगह पे मतलब इधर प्लस प्लस डालो। अब 9 और 5 कितना होता है 14, क्या हमें 14 चाहिए बीच में, यस चाहिए, मतलब आपको यही फैक्टर्स आपको सिलेक्ट करना है 9 5 ज़ा 45, तो हम क्या करेंगे 3x स्क्वायर लिखेंगे, 14x को हटाओ लगाओ इसकी जगह पे 9x प्लस 5x प्लस 15 लगाया यहाँ पे प्लस 15, पहले ग्रुप में से क्या कॉमन आ रहा है मतलब यहाँ से 3x, क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है 3 के टेबल में 3 आता है, x भी कॉमन आता है, चलो 3 गया x गया तो क्या बचेगा x प्लस, यहाँ से x चला गया 3 का टेबल बोलो 9 तक के 3 3 जा 9 तो x प्लस 3,
यहाँ से आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 5, 5, क्योंकि 5 के टेबल में 5 भी आता है, 5 के टेबल में 15 भी आता है, तो x बचेगा, 5 का टेबल बोलो 5 3 15, तो रिपीट देखो x plus 3 एक ब्रैकेट में डालो और बचा हुआ दूसरे ब्रैकेट में 3x plus 5 हो गया, तो x plus 3 and 3x plus 5 हो गया 9 नंबर का। अभी नंबर 10, नंबर 10, 2x square plus x minus 45। अब देखो 2 into 45 करना है, लेकिन एक पॉजिटिव 2 है उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, -45 से, प्लस इंटू माइनस। 45 into 2 कितना होता है, 90। अब ये 90 के फैक्टर्स लेना होता है आपको, ये 90 के आपको क्या लेना है, फैक्टर्स लेना है। अब 90 के फैक्टर्स यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, मतलब एक नंबर पॉजिटिव आएगा, एक नंबर नेगेटिव। बड़ा नंबर पॉजिटिव क्यों आएगा, क्योंकि बीच में यहाँ पे प्लस है, तो बड़े को प्लस देना है, छोटे को। अभी डिफरेंस कितने का, 1 का, यहाँ पे वो एक्स के सामने 1 है। आपको ऐसे फैक्टर्स करने हैं दो, 90 किसके टेबल में आता है, 10 9 90, क्योंकि 10 में से 9 माइनस किया तो कितना बचता है, 1, तो एक्स के सामने 1 ही तो है, तो इसलिए हमने 10 9 लिए। तो हम क्या करेंगे, 2x square, एक्स को हटा देंगे, क्या लगाएंगे उसकी जगह पे, 10x minus 9x minus 45। अब देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कॉमन 2 कॉमन निकाल सकते हैं, एक्स कॉमन निकाल सकते हैं, 2 चला गया, एक्स चला गया, कितना बचेगा, एक्स प्लस एक्स तो गया बाहर, 2 का टेबल बोलना है 10 अंदर के, 2 5 10 हो गया, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस है, माइनस है, माइनस कॉमन निकालो, 9 के टेबल में 45 आता है, 9 के टेबल में 9 भी आता है, तो 9 को कॉमन निकालो, 9 गया ब्रैकेट में x, माइनस कॉमन गया मतलब प्लस आएगा, 9 का टेबल बोलो 45 आने तक के, 9 5 45 लिखा, बराबर से वही ब्रैकेट आएगा, जो फर्स्ट आता है वही सेकंड ब्रैकेट रिपीट होता है बराबर से, तो x प्लस 5 फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा, क्योंकि ये रिपीट है, कॉमन ले लो एक ही बार लिखना है आपको ये रिपीट वाला, और दूसरे ब्रैकेट में कितना आएगा आपका, 2x minus 9, बीच में मल्टीप्लीकेशन होता है कुछ नहीं, मतलब ब्रैकेट यहाँ पे प्लस माइनस लगाना नहीं बीच में, हाँ ठीक है। तो 10 नंबर कंप्लीट, 11, 20x square minus 26x plus 8। सबसे पहले देखो कॉमन क्या आता है, कि सभी नंबर्स 2 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं, मतलब 2 से डिवाइड हो सकते हैं, यस, तो 2 कॉमन ले लो, 2 का टेबल बनाना है, 20 अंदर के, 2 10 20, तो यहाँ पे 2 से करो इसको डिवाइड, 26 को 2 अंदर 2 2 3 मतलब 13, क्योंकि 26 का आधा करना है, 13 2 से डिवाइड करो 8 को, 2 4 8 हो गया, ये तो ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको 10 into 4 करना है मल्टीप्लाई, 10 4 40 plus 40 चाहिए, लेकिन बीच में माइनस है यहाँ पे 13, तो अगर ऊपर प्लस रहा और यहाँ पे बीच में माइनस है तो दोनों नंबर्स क्या होते हैं, निगेटिव। अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता है तो दोनों पॉजिटिव होते हैं, ऊपर अगर प्लस है तो 2 माइनस हो सकते हैं या फिर 2 प्लस हो सकते हैं, लेकिन बीच के साइन पे डिपेंड करता है। अगर मिडल साइन माइनस है तो दोनों निगेटिव रखो, और अगर मिडल साइन प्लस है तो दोनों पॉजिटिव रखो। चलो इसके फैक्टर्स ले लो, 10x square, इसको हटा दो, लगाना क्या है यहाँ पे, पहले समझ लो हटाने मतलब फैक्टर तो निकालो, 40 क्या होता है, 10 4 40 होता है, बट 10 और 4 14 नहीं आ रहा है। अभी और कोई किसके टेबल में आता है, 40 22 होता है, बट 22 नहीं होता है, फिर और कौन से टेबल में आता है, 40 8 5 होता है, 8 और 5 13 आता है, दोनों का एडिशन देखो 13 आना चाहिए, आ रहा है, मतलब ये फैक्टर चूज करना है, तो 8x minus 5x plus 4। चलो 2 गया, ये दो ग्रुप में से क्या आएगा कॉमन, पहले वाले ग्रुप में से क्या कॉमन आएगा, 2x, क्योंकि दोनों नंबर्स 2 के टेबल में आते हैं, x तो है ही, चलो 2x गया, 2 का टेबल बोलो 10 तक के, 2 5 x चला गया, x सिंगल x बचेगा, यहाँ से x चला गया, 2 का टेबल बोलो 8 तक के, 4 2 4 8, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो -1, तो ब्रैकेट में बचेगा 5x, माइनस कॉमन लिया तो साइन क्या होगा, चेंज, वही आएगा बराबर से -4, देखो ब्रैकेट कंप्लीट, रिपीट वाला ब्रैकेट एक बार लिखो, 5x minus 4, और यहाँ पे आएगा 2x minus 1, हो गया बिना रिपीट वाला, तो इस तरीके से। अभी नंबर 12 में है 44x square minus x minus 3। सबसे पहला वाला नंबर लास्ट वाला मल्टीप्लाई करो, 44 into last minus 3, plus into minus, 3 4 12, 1 carry, 4 3 12 plus 1 13, तो -132 आना चाहिए। यहाँ पे माइनस आ रहा है मतलब एक नंबर पॉजिटिव रहेगा, एक नंबर निगेटिव रहेगा। अब देखो अब यहाँ पे माइनस आ रहा है मतलब बड़े नंबर को माइनस देना पड़ेगा, बड़ा नंबर इधर लिखना पड़ेगा और छोटा नंबर पॉजिटिव इधर लिखना पड़ेगा। अब क्या कर सकते हो आप, एक का डिफरेंस चाहिए, 132 किस में आता है, ऐसे दो नंबर बताओ कितना हो सकता है, बताओ जल्दी, 11 12 11 हो सकता क्या, क्योंकि एक का डिफरेंस होता है, 12 1 12 1 12 12 12 plus 1 13, यस आ रहा है, तो 12 और 11 के बीच में एक का डिफरेंस आ रहा है, मतलब कि क्या करेंगे आप,
देखो यहाँ पे निगेटिव है तो बड़ा नंबर 12 है, इसको निगेटिव लगाना है, छोटा नंबर 11 है, उसको पॉजिटिव। क्या होगा, 12 में से 11 गया, 1 बचेगा और बड़े नंबर का साइन आएगा, मतलब माइनस। इनका मल्टीप्लिकेशन प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ऊपर मल्टीप्लिकेशन भी आ रहा है इनका, आ रहा 132। तो चलो ये हटा देना आपको, 44x2 ठीक है, माइनस एक्स को हटाओ, ये लगाओ प्लस 11x माइनस 12x माइनस 3। पहला ग्रुप क्या कॉमन आएगा इसमें से, 11 के टेबल में आते हैं दोनों नंबर्स, तो x भी निकाल लेंगे पहले, तो 11x कॉमन आएगा। चलो 11 का टेबल बोलो, 44 आने तक के 11 4 44, x बचेगा एक सिंगल क्योंकि x तो कॉमन गया, एक गया फिर प्लस, चलो 11x गया, 11 1 11 होता है मतलब 1, यहाँ से माइनस है माइनस है, तो माइनस तो कॉमन आएगा। अब इसमें से कौन कॉमन आएगा, 3 के टेबल में 3 आता है, 3 के टेबल में 12 भी आता है, तो 3 कॉमन ले लो, गया 3 कॉमन। अब बोलो 3 का टेबल 12 आने तक के, 3 4 12, तो 4x माइनस कॉमन गया प्लस, और 3 1 3, ये देखो 3 है, 3 से डिवाइड करेंगे 3 को तो 1 आएगा। तो बराबर पहला ब्रैकेट जो है वही रिपीट आया, 4x प्लस 1 फर्स्ट ब्रैकेट में लिखना है और बचा हुआ है सेकंड ब्रैकेट में लिखना है, क्या होता है 11x, पेन भी नहीं चल रहा, माइनस 3, ठीक है। तो ये समझेगा, अरे यार पेन खत्म हो गया लास्ट प्रॉब्लम पे ही बराबर से। देखो क्या लिखना है यहाँ पे, 11x माइनस 3, ये देखो 11x माइनस 3, रुको मैं पेन दूसरा लेता हूँ, अगर होगा तो मेरे पास चेक करता हूँ मैं, क्योंकि वैसे भी लास्ट प्रॉब्लम है ये। तो देखो आंसर मिल गया, एक पेन यहाँ पे आ गया 11x माइनस 3, हो गया 11x माइनस 3, और ये आ गया 4x प्लस 1, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये भी ख़त्म हो गया पेन, तो इस तरीके से हमारा पेन तो ख़त्म हो गया है, एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई, मतलब प्रैक्टिस सेट 6.1 कंप्लीट हो चुका है और पूरा अच्छे से मैंने समझाया फैक्टर्स कैसे लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकॉन प्रेस करके रखो और ये वीडियो बाकी स्टूडेंट्स तक के शेयर करो, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करो। चलो बाय, गुड नाइट, टेक केयर।